हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। सो टुडे सब्जेक्ट इज़ पैथोफिजियोलॉजी एंड टॉपिक इज़ पार्किंसंस डिजीज। दिस इज आल्सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिजीज। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ द पार्किंसन डिजीज? सो पार्किंसन डिजीज इज नेम्ड आफ्टर जेम्स पार्किंसन, हु इज़ 1870 रोट अ क्लासिक। पार्किंसन डिजीज क्या है, उसका नाम जेम्स पार्किंसन के नाम पे पड़ा, जो जिसने कि 1817 में शेकिंग प्लासी नाम की एक डिजीज़ लिखी थी। डिजीज़ फॉर विच रीज़न इज स्टिल अननोन, जिसके रीज़न अननोन थे। ठीक है, नाउ डेफिनेशन में आते हैं। इट इज़ अ क्रोनिक डिजनरेटिव डिसऑर्डर दैट प्राइमरली अफेक्ट द न्यूरॉन्स ऑफ द बेसल गैंग। ये क्रोनिक डीजनरेटिव डिसऑर्डर है जो कि सबसे पहले वेसल गैंग्लिया के न्यूरॉन्स को अफेक्ट करती है। ठीक है, इट इज़ अ सिंड्रोम दैट कंसिस्टिंग ऑफ स्लोइंग डाउन एंड इनिशिएशन एंड एक्सुएशन ऑफ द मूवमेंट। इसमें क्या होता है कि ये एक सिंड्रोम है जो कि इनिशिएशन और एक्सुएशन मूवमेंट को स्लो डाउन करती है। ठीक है, इंक्रीज द मसल टोन को इंक्रीज करती है। ट्रीमर एंड इम्पेयर्ड पोस्टुरल रिफ्लेक्सेस, और ट्रीमर एंड इम्पेयर्ड पोस्टुरल रिफ्लेक्सेस को भी कॉज करती है। ठीक है, अब आते हैं। द फेमस इंटरनेशनली नोन एज बॉक्सर मोहम्मद अली सफर्ड फ्रॉम दिस। जो फेमस इंटरनेशनल बॉक्सर हैं जिनका नाम मिस्टर मोहम्मद अली है, वो सबसे पहले इस डिजीज से सफर्ड हुए थे। अब आते हैं। इंसिडेंट्स अकर इन दिस एज ग्रुप ऑफ 60s, मोस्टली मैन आर अफेक्टेड। ये क्या एज ग्रुप ऑफ 60s में ज़्यादा होती है, मोस्टली क्या होते हैं वुमेन से मैन ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं इससे। अब आते हैं क्लासिफिकेशन में आते हैं। पोस्ट इंसीफिलेटिक पार्किंसन विच अकर्ड आफ्टर द लार्ज एपिडेमिक ऑफ द इंसीफिलेटिज्म 1990। ये किस वजह से होती है, लार्ज एपिडेमिक इंसीफिलेशियम की वजह से 1990। ठीक है, ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसन अकर आफ्टर लॉन्ग टर्म यूज ऑफ द फिनोथायाजिन। ये कैसे होती है, अगर ज़्यादा टाइम तक आप फिनोथायाजिन ले रहे हैं। टॉक्सिन इंड्यूस्ड पार्किंसन क्या है, समटाइम्स रिजल्टिंग फ्रॉम द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मैग्नीज एक्सपोजर। समटाइम्स ये किस वजह से होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड से मरकरी से या मैग्नीज एक्सपोजर की वजह से भी हो जाती है। ठीक है, एक्सपोजर टू द एग्रीकल्चर हर्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। ये एक्सपोजर मतलब कि एग्रीकल्चर हर्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स से भी एक्सपोजर होती है। ट्रूमा एंड इंजरी टू द मिड ब्रेन में ट्रूमा या इंजरी होने से भी ये हो जाती है। अब आते हैं इटियोलॉजी मतलब किस वजह से होती है, कॉजेस। हेयर डाइटी मतलब क्या है कि आपको जेनेटिक भी ये हो सकती है। फिर एंटीसाइकोटिक ड्रग, अगर आप एंटीसाइकोटिक ड्रग ले रहे हैं या न्यूरोलेप्टिक एजेंट ले रहे हैं लगातार, उस वजह से भी हो जाती है। फिर एंसीफिलाइटिस इंजेक्शन इज़ रिस्पॉन्स टू ब्रेन ट्यूमर्स हाइड्रोसिफेलस एंड इस्केमिया। क्या होता है, एंसीफिलाइटिस इन्फेक्शन होने पे जैसे कि ब्रेन जो है वो रिस्पॉन्स करने लगता है क्या, ट्यूमर्स या हाइड्रोसेफेलस इस्केमिया, ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर आता है आर्टियोस्क्लेरोसिस से भी होता है। फिर है न्यूरोटॉक्सिन सच एज साइनाइड मैग्नीज एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। न्यूरोटॉक्सिन से भी जैसे कि साइनाइड्स हो गया, मैग्नीज हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ड्रग्स लाइक रेस्प्रिन या हाइड्रोप्रेस। ठीक है, मिथाइल डोपा या हेलोपेरिडोल या फिनोथायाजिन, अगर ये लॉन्ग टाइम तक ले रहे हो तो इससे भी आपको पार्किंसन डिजीज हो सकती है। अब आते हैं पैथोफिजियोलॉजी में। क्या एंटीसाइकोटिक ड्रग्स
या एंसीफिलाइटिस एंड अदर कॉस्ट क्या कॉज करते हैं? अफेक्ट द सब्सटेंटिया निग्रा को अफेक्ट करते हैं. डिसफंक्शन ऑफ डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन, डिस्ट्रक्शन ऑफ डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन विद इन द बेसल गैंग्लिया. बेसल गैंग्लिया के साथ ये क्या करते हैं? डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स को डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, यानी उनको फंक्शन करने से रोकते हैं. रिड्यूस द अमाउंट ऑफ अवेलेबल स्ट्रेटियल डोपामिन, जो कि अवेलेबल डोपामिन जो है आपका, उसको क्या करते हैं, उसका अमाउंट जो है वो रिड्यूस करते हैं या इनहिबिटरी इफेक्ट दिखाते हैं. देयर आर इंक्रीज द एसिटाइल कोलिन, जो कि एसिटाइल कोलिन को इंक्रीज कर देता है. फिर एक्सट्रेटरी एक्टिविटी ऑफ ACH इज इनएडिक्वेटली बैलेंस, जिससे क्या होता है, एसिटाइल कोलिन की एक्सट्रेटरी एक्टिविटी जो होती है वो इनएडिक्वेटली बैलेंस हो जाती है. और डिफ़िकल्टी इन कंट्रोलिंग एंड इनिशिएटिंग द वॉलंटरी मूवमेंट, वॉलेंट्री मूवमेंट में को कंट्रोल करने में या इनिशिएट करने में दिक्कत होने लगती है. ठीक है, ये आपकी हो गई पैथोफिजियोलॉजी. अब आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या है, बिगनिंग स्टेज में क्या सिम्टम दिखाई देते हैं? माइल्ड ट्रीमर, स्लाइट लिम्प या डिक्रीज आर्म स्विंग. माइल्ड ट्रीमर हो जाता है, स्लाइट लिम्प दिखाई देने लगते हैं, या क्या होता है, डिक्रीज आर्म्स जो हैं वो स्विंग्स होना कम कर देती हैं. ठीक है, लेटर जब टाइम लॉन्ग टाइम तक हो जाए तो क्या होगा, सफलिंग होने लगेगी. प्रोप्लेसिव गेट विद द आर्म्स फ्लेक्स्ड, लॉस ऑफ पोस्चुरल रिफ्लेक्शन एंड स्लाइट चेंजेस टू स्पीच पैटर्न. स्पीच पैटर्न में भी स्लाइट चेंजेस आने लगेंगे. ठीक है, क्लासिक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. चलिए अब आते हैं ट्रीमर क्या होता है. चलिए, फर्स्ट साइन इफेक्ट द हैंड राइटिंग. ट्रीमर में क्या होता है, सबसे पहले हैंड राइटिंग इफेक्ट करती है. नॉन इंटेंशियल, प्रेजेंट एट रेस्ट बट यूजुअली नॉट ड्यूरिंग स्लीप. नॉट इंटेंशियल रेस्ट के टाइम पे तो नहीं, लेकिन ये स्लीप के टाइम पे क्या होता है, इंटेंशन जो होती है वो रेस्ट के टाइम पे होती है, लेकिन स्लीप के टाइम पे नहीं होती है. ठीक है, फिर आता है मूवमेंट ऑफ थंब अक्रॉस द पाम गिव्स पिल रोलिंग कैरेक्टर. जो मूवमेंट है थंब का वो पाम्स के अक्रॉस में पिल रोलिंग कैरेक्टर देता है. ठीक है, पिल रोलिंग कैरेक्टर दिखाई देने लगते हैं. फिर ट्रीमर आल्सो सीन इन लिम्ब, जॉ, लिप्स. ट्रीमर्स जो है वो आल्सो लिम्ब में, जॉ में, लिप्स में, लोअर फेशियल मसल्स में और हेड में भी दिखाई देने लगते हैं. ठीक है, फिर आते हैं रेजिडिटी. रेजिडिटी क्या होता है, इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू पैसिव मोशन व्हेन द लिम्स आर मूव्ड थ्रू देयर रेंज ऑफ मोशन. ये क्या करता है, पैसिव मोशन के रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देता है. जब कब, जब लिम्ब जो हैं वो अपने रेंज मोशन के थ्रू मूव करने लगते हैं. मसल फील स्टिफ एंड रिक्वायर्ड इंक्रीज एफर्ट टू मूव. मसल क्या है, स्टिफ फील करने लगते हैं और रिक्वायर्ड इंक्रीज एफर्ट टू मूव, और मूव करने पे ज़्यादा, मतलब कि जो रिक्वायर मूव करने के लिए ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है. ठीक है, डिसकम्फर्ट टू पेन. डिसकम्फर्ट फील होने लगता है और पेन में भी प्रसीव्ड इन मसल्स, मसल्स में पेन होने लगता है व्हेन रेजिडिटी इज सीवियर, अगर रेजिडिटी सीवियर हो जाए. फिर क्या है, कॉग व्हील रेजिडिटी रिफर्स टू द रेचेट लाइक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड मसल दैट अकर व्हेन द लिम्स आर पैसिवली स्ट्रेस्ड. फिर आता है ब्रैडीकाइनेसिया. ब्रैडीकाइनेसिया क्या होता है, स्लोनेस ऑफ एक्टिव मूवमेंट. एक्टिव मूवमेंट में स्लोनेस आ जाती है, मतलब कम धीरे धीरे काम करने लगते हैं एक्टिव मूवमेंट. डिफ़िकल्टी इज इनिशिएटिंग मूवमेंट में डिफ़िकल्टी होने लगती है. ऑफन द मोस्ट डिजेबल सिम्टम क्या होता है, इंटरफेरेंस विद ADK एंड प्रेडिपोसेस पेशेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू द कॉन्स्टिपेशन, सर्कुलेटरी स्टेसिस, स्किन ब्रेकडाउन होने लगती है, कॉन्स्टिपेशन होने लगता है एंड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन और
ऑफ इमोबिलिटी, इमोबिलिटी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन आने लगते हैं। ठीक है, अब आते हैं पोस्टुरल इनस्टेबिलिटी। पोस्टुरल इनस्टेबिलिटी क्या होता है? चेंजेस इन गेट, चेंजेस इन गेट लाइक टेंडेंसी टू वॉक फॉरवर्ड ऑन द टोज विद स्मॉल शफलिंग स्टेप। जो वॉक करने की टेंडेंसी होती है वो टोज पे क्या होते हैं, स्टेप्स जो होते हैं वो छोटे होने लगते हैं। ठीक है, वंस इनिटेटेड मूवमेंट में एक्सीलरेटेड ऑलमोस्ट अ ट्रॉट। ठीक है, फिर आता है फेस्टिनेशन में अकर्स विच प्रोपल्स दैट द पेशेंट आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्रोपोशनली अंटिल फॉलिंग अ इनवाइटेबल। फिर आते हैं सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन। सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन में क्या है? फेशियल अपीयरेंस, फेशियल अपीयरेंस लाइक एक्सप्रेशनलेस, फेशियल अपीयरेंस एक्सप्रेशनलेस हो जाता है। आई स्टोर स्ट्रेट अहेड, आई स्टोर जो होते हैं वो हेड के स्ट्रेट में होने लगती है। ब्लिंकिंग इज मच लेस फ्रिक्वेंट देन नॉर्मल, नॉर्मल से ब्लिंकिंग जो है वो बहुत कम होने लगती है। फिर स्पीच प्रॉब्लम में क्या है? लो वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है वो कम हो जाती है। स्लर्ड एंड मफल्ड, स्लर्ड और मफल्ड होने लगती है। फिर मोनोटोन, मोनोटोन डिफ़िकल्टी विद स्टार्टिंग स्पीच एंड वर्ड फाइंडिंग, डिफ़िकल्टीज होने लगती है स्टार्टिंग में स्पीच करने में और वर्ड्स को फाइंड करने में। ठीक है, विजुअल प्रॉब्लम क्या आती है? ब्लर्ड विजन होने लगता है, मतलब धुंधला दिखाई देने लगता है। इम्पेयर्ड अपवर्ड गेज, अपवर्ड इम्पेयर्ड अपवर्ड गेज। फिर क्या है? बेले फरोप्सम, बेले फरोप्सम में क्या है? इनवॉलंटरी प्रोलॉन्ग क्लोजिंग द आईलिड्स, आईलिड्स जो है वो प्रोलॉन्ग लंबे टाइम तक क्लोज होने लगती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो गया? ये हो गया हमारा विजुअल प्रॉब्लम। फिर बिहेवियर कैसे में, बिहेवियर में कैसे सिम्टम दिखाई देने लगे? डिप्रेशन, इंसान डिप्रेशन में जाने लगता है। स्लोड रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्स जो है वो स्लो करने लगता है। मेमोरी डिफिसिट, जो याद रहने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। विजुअल स्पेशल डिफिसिट यानी देखने की क्षमता कम हो जाती है, या डिमेंटिया, डिमेंटिया हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं इन्वेस्टिगेशन या डायग्नोसिस बोल सकते हैं इसे। ठीक है, द डायग्नोसिस इज मेड क्लिनिकली, डायग्नोसिस जो है वो क्लिनिकली मेड किया है। देयर इज नो डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसके लिए कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं होता है। इमेजिन लाइक सीटी स्कैन या एमआरआई ऑफ द हेड मे बी नीडेड इफ देयर आर एनी फीचर सजेस्टिव ऑफ पेरीमिडल, अगर पेरीमिडल या सेरेब्रल और ऑटोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो इसके लिए सीटी स्कैन या एमआरआई कराया जा सकता है। और द डायग्नोसिस इज अदरवाइज इन डाउट, और डायग्नोसिस जो है वो अदरवाइज डाउट में ही रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं लेबोरेटरी टेस्ट एंड इमेजिंग स्टडीज आर नॉट हेल्पफुल टू द डायग्नोसिस ऑफ लेबोरेटरी टेस्ट या इमेजिंग टेस्ट से डायग्नोसिस, मतलब कि पार्किंसन डिजीज़ का डायग्नोसिस नहीं हो सकता है। क्राइटेरिया टू मेकिंग द डायग्नोस एंड पार्किंसन डिजीज इंक्लूड सच फॉलोइंग्स, कुछ फॉलोइंग्स को इंक्लूड किया गया लाइक थ्रू पेशेंट, पेशेंट के थ्रू हिस्ट्री एंड परफॉर्म द कंप्लीट न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री या न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन को परफॉर्म, हिस्ट्री या मतलब कि कम्प्लीटली परफॉर्म जो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन है उसको करेंगे, या सिटी स्कैन और एमआरआई हेड रूल आउट ऑफ द सेकेंडरी कॉज, सिटी स्कैन या एमआरआई करा सकते हैं। पीटी स्कैन ऑफ इवेल्युएटेड लिवोडोपा अपटेक एंड कन्वर्जन द डोपामीन इन कॉर्पस स्ट्रेटनम, क्या करेंगे? लिवोडोपा देंगे पेशेंट को और वो इवेल्युएट करेंगे कि वो डोपामीन में कितने टाइम तक कन्वर्ट हो रही है। प्रेजेंट ऑफ टू और मोर कार्डियल फीचर, दो या दो से ज़्यादा कार्डियल फीचर अगर प्रेजेंट है लाइक रेस्टिंग ट्रीमर, रेजिडिटी और एकेनिजिया और क्या है पोस्टुरल इनस्टेबिलिटी। ठीक है, फिर क्या है? फाइनल डायग्नोसिस यूजुअली मेड बाय द प्रेशर ऑफ हैवी बॉडीज, फाइनल डायग्नोसिस क्या है? प्रेशर, हैवी बॉडीज के प्रेशर से भी इसे बनाया जाता है इन ब्रेन ड्यूरिंग द ऑटोप्सी, ऑटोप्सी के थ्रू। ठीक है, फिर उसके बाद
फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट लाइक क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, एंटी कोलिनर्जिक्स दे सकते हैं, एंटी हिस्टामिनिक्स दे सकते हैं, डोपामिनर्जिक दे सकते हैं या डोपामिन एगोनिस्ट दे सकते हैं, एमएओ इनिबिटर दे सकते हैं, ठीक है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या है, थैलानोटोमी या पैलिडोटोमी, फीटल टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन नो केसेस ऑफ रिजल्टिंग द कंप्लीट रिवर्सल और द पार्किंसनिया सिम्टम। फिर क्या है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियरिंग सेल लाइंस और वेक्टर मेडिकेटेड जीन ऑफ ट्रांसफेक्शन, ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं जेनेटिकली इंजीनियरिंग सेल लाइंस का या वेक्टर मेडिकेशन जीन्स ट्रांसफेक्शन कर सकते हैं। थैंक यू।